प्रतिबंधों में चीन ढील के बाद संक्रमण की रफ्तार काफी तेज हो गई है। जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद कोरोना के मरीजों में भारी इजाफा हो रहा है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि अस्पतालों के सभी बेड भरे हुए हैं, दवाएं नहीं हैं, जहां है वह भी लंबी कतारें लगी हुई हैं। बीजिंग में शमशानों में भी 24 घंटे अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग 2000 तक पहुंच गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन में कोरोना केस दिन में नहीं बल्कि हर घंटे दोगुने हो रहे हैं। अमेरिकी साइंटिस्ट और महामारी विशेषज्ञ एरिक फेकलडिंग ने सोशल मीडिया पर चीन के चौंकाने वाले वीडियोज शेयर किए हैं और इनमें अस्पतालों, शमशानों और मेडिकल स्टोर्स के चिंताजनक हालात दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने कोरोना पर बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि 90 दिन में चीन की 60% आबादी और दुनिया के 10% लोग कोरोना से संक्रमित होंगे। करीब 10 लाख लोगों की मौत की आशंका है।